3,92,200 रुपए का। इनके साथ मामला हमारे तय हो चुके हैं। ये तो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना। पैसे किस चीज के मांग रहे थे? नहीं सर, ऐसा कभी कभी जिंदगी में नहीं लिया। नहीं, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रहे, क्यों मांगे? खुदा की उस पर लानत होगी, हुकूमत की तनख्वाह के बावजूद बैठ के रिश्वत लेता होगा, सही है ना जी? अगर मेरे साथ मिलके लानत भेजे उस आदमी पे, अल्लाह की लानत हो सर। हाँ, किस पे? जो रिश्वत ले रहा है। तो आपने आज तक ये काम कभी नहीं किया? नहीं नहीं सर। ये दांत निकालने की बात थी, परेशान कर रहे हैं। ये किस चीज की तनख्वाह थी? सैलरी किसकी थी? नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई नायब कासिद से 1,00,000 रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? गिरा हुआ महसूस नहीं किया नायब कासिद के नीचे अपने आप को? आपने इससे पहले इनकी कोई कंप्लेन आप तक हराम है जो कोई हलाल काम भी हराम खोरी के बगैर हो जाए। वो ही नहीं सकता कि रिश्वत दिए बगैर कोई शरीफ आदमी मुल्क के सरकारी इदारों से अपना जायज काम भी करवा सके। मुमकिन ही नहीं कि मुट्ठी गर्म किए बगैर किसी के हाथ से कोई अपना हक वसूल कर सके। कोई महकमा हो, काम की नौइयत कुछ भी हो, सामने वाला शैतान नजर आता हो या फरिश्ता, हुलिया सड़क छापों वाला हो या फिर बंदा मुकम्मल दीनदार दिखता हो, बस अगर उसके नीचे सरकारी कुर्सी, हाथ में सरकारी कलम और इख्तियार में किसी का हक रोकने या देने की ताकत है, तो बस पैसे लिए बगैर वो किसी का कोई काम नहीं करने वाला। अवामी डीलिंग का कौन सा ऐसा इदारा है टीम सरेआम ने जिसकी करप्शन बेनकाब नहीं? किस सतह का सरकारी अफसर है जिसकी बदउनवानी की कहानी हमने आपको सरेआम नहीं दिखाई? लेकिन इन लोगों को हराम की ऐसी लत लगी है कि कोई खौफ, कोई डर, कोई अंदेशा इनकी हराम खोरी को रोक नहीं सकता। जिन लोगों को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का खौफ ना हो कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं, जिन्हें इस बात का डर ना हो कि दोनों जहानों के खालिक का 24/7 कैमरा उन पर मकबूज है, उन्हें भला मीडिया के कैमरों का क्या खौफ हो सकता है? यही वजह है कि ये रिश्वत खोर, बेहिस और बेजमीर अफसरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी ढटाई और बेहयाई से बाज नहीं आते। इन बदउनवान शैतानों की आंखों में नदामत और लहजे में शर्म की जरा सी भी झलक दिखाई नहीं देती। रिश्वत खोरी के अपने नंगे सबूत देखने के बावजूद ये हथियार डालने की बजाय हाथ उठाने और जबान चलाने पर उतर आते हैं। क्या है आप? मैं हूँ एस नाजमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद है। वो मुझे देख के ही समझ जाते कि इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको ना दिया जाए। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? ये गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं? अरे मैं मारो मारो कुछ चीज उठा के देंगे। एक मिनट अभी करें, अपने पावर नहीं, अभी करें, अभी तुम्हारे पास केस करूंगा, अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहां कहूंगा। क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना आप देवा उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे? रिटर्न तो करेंगे ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। यूं तो हर सरकारी इदारे का अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन तसव्वुर कीजिए सरकार का वो इदारा जिसका काम ही पैसों का लेन देन हो, वहाँ भला रिश्वत के लेन देन के बगैर कोई काम कैसे हो सकता है?
सरकार का वो दफ्तर जहां से जिले भर के सरकारी अफसरान और अहलकारों की तनख्वाहें जारी होती हों, पेंशन्स रिलीज होती हों, सरकारी ठेकों के पैसों के चेक इशू किए जाते हों, वहां भला ये कैसे मुमकिन है कि अकाउंट्स ऑफिस या ट्रेजरी के अफसरान अपना हिस्सा रखे बगैर किसी को पैसे या चेक इशू कर दें। यूं तो शायद मुल्क के हर जिले के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस या ट्रेजरी ऑफिस में रिश्वत सतानी का ऐसा ही बाजार गर्म है, लेकिन टीम सरेआम को सिंध के जिला मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से पै दर पै ऐसी पक्की खबरें मौसूल हो रही थी कि यहां कोई भी पेमेंट 30% रिश्वत वसूल किए बगैर जारी नहीं की जाती। किसी बेवा की पेंशन हो, किसी यतीम की डिसीज्ड कोटे की तनख्वाहें हो, किसी गरीब की रिटायरमेंट की रकम हो या फिर किसी ठेकेदार के काम का सरकारी मुआवजा, कोई भी चेक बनाने, उसे अप्रूव करवाने और पेमेंट रिलीज करवाने पर कुल रकम का 30% बतौर रिश्वत वसूल करना मीरपुर खास का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस अपना हक समझता था, और जो कोई रिश्वत की ये भारी परसेंटेज अदा करने से इनकार करता उसे अपने हक हलाल के पैसों के लिए इतना जलील किया जाता कि उसके पास इन्हें रिश्वत देने के सिवा कोई चारा न बचता। मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस का ऑडिटर बशीर अहमद पूरे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस की ईमा पर 30% की वसूली करता था और रिश्वत की रकम अपने सरकारी दफ्तर में बैठकर इस दीदा दलेरी से वसूल करता था जैसे वो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं दूध दही की दुकान पर बैठकर लस्सी के पैसे वसूल कर रहा हो। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी से निकलता हूं। ये जो एक पे डन हुआ था, एक पे डन हुआ था ना, ये गिने सब गिने। पेंशन्स, एरियर्स, ठेकों के मुआवजों या रिटायरमेंट की मद में मिलने वाली रकम 1,000 हो, 1,00,000 हो या फिर 1,00,000, इस रकम को इशू करने से पहले कुल रकम का 30% फिकही उसूल या कानूनी दफा समझकर वसूल किया जाता था और ये रिश्वत देने वाले बामरे मजबूरी ऐसा करते थे क्योंकि दूसरी सूरत में उनकी रकम महीनों तो क्या सालों तक फाइलों के तकनीकी मसाइल तले दबी रहती। ये लोग रिश्वत देने के बाद किसी इदारे या अफसर के पास शिकायत लेकर भी नहीं जाते थे, इसलिए कि ठेकेदार की अगली पेमेंट, पेंशनर्स की अगली पेंशन, रिटायरमेंट फंड मिलने के बाद पेंशन्स और एरियर्स की अगली किस्तें उन्हें इसी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से मिलना थी और ये रकम इन्हीं अकाउंट्स ऑफिसर्स ने इशू करना थी। तो अगर ऊपर तक मुलव्वस आला अफसरान तक कोई शिकायत लेकर जाने की जसारत करने का सोचता भी तो समझे वो अपनी आइंदा रकम से हाथ धो बैठता।